नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है शनिवार और ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे उपाय यदि आप शनिवार शनिवार करने लग गए तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। क्योंकि तकलीफ ज्यादातर जो आती है वो जो क्रूर ग्रह है उनकी वजह से आती है। जब किसी जन्म का कोई कर्म, कोई बुरा कर्म जब अपना फल देने के लिए आता है तो शनि हमें परेशान करने लग जाते हैं। जब शनि किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो व्यक्ति चारों तरफ से बर्बाद होता है। उसकी सामाजिक लाइफ, उसकी पारिवारिक लाइफ, हर जगह, जहां नौकरी पर जाता है वहां उसका बिजनेस, सब कुछ मतलब ठप होने लग जाता है। टोने टोटके उसके ऊपर सफल होने लग जाते हैं। कोई भी मतलब नहीं जैसा इंसान भी उसकी लाइफ में अपना रोल अदा करके चला जाता है। दोस्तों, ये छोटा सा काम है, यदि आप शनिवार शनिवार करना शुरू कर देंगे, शनिवार रात सोते समय, तो आप देखेंगे तमाम प्रकार की बुरी चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। कितनी बार ऐसा होता है, हमारे परिवार के ही लोग, हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारी लाइफ में काफी नेगेटिविटी को छोड़ रहे होते हैं। वो शत्रु मित्र बनकर आते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो टोटल आपसे शत्रुता कर रहा होता है। तो ऐसे में दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। या तो इसको संध्या समय करे, संध्या समय मतलब सूर्यास्त के बाद, जब थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाए तब इस उपाय को करके देखें, या फिर सोते समय इस उपाय को करें। दोस्तों, ये जो तीन चीजें मैं आपको बता रही हूं, तीनों ही चीजें शनि से जुड़ी हुई है, बराबर। शनि दोस्तों काले कलर से और नीले कलर से जुड़ा हुआ ग्रह है। आपको क्या करना है, उड़द के दाने ले लेने हैं, या तो 8 उड़द के दाने ले ले, या फिर एक चुटकी ले ले, ठीक है। और एक चुटकी दोस्तों आपको लेनी है काले तिल, और एक चुटकी आपको लेनी है काली सरसों। काले तिल, काली सरसों, और एक चुटकी आपको ले लेना है काले उड़द, या फिर 8 दाने उड़द के गिन करके लेने हैं। उड़द के 8 दाने इसलिए बता रही हूं क्योंकि 8 का आंकड़ा दोस्तों शनि का आंकड़ा है। मैंने कई वीडियो में इस चीज की जानकारी दी है कि जब भी आप चाहते हैं ये चीज मेरी लाइफ से चली जाए तो उसको 8 के आंकड़े इससे जोड़ दे। 8 के आंकड़े को जैसे नींबू के ऊपर लिख करके काट देना, 8 के आंकड़े को जितना आप समाप्त करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तमाम प्रकार की तकलीफों से आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो ये तीनों ही चीजें आप अपनी मुट्ठी में ले लें, लेकर के घर के तमाम मेंबर्स के ऊपर से उबारें, अपने ऊपर से उबारें, जहां आप धन रखते हैं धन स्थान के ऊपर से उबारें, पूरे घर में उबारें। सब जगह उबार लेने के बाद जो आपका पूजा स्थान है वहां पर आप इसको उबारें, ठीक है। हर जगह आपको इसको 7-7 बार उबार लेना है। पूजा स्थान में दोस्तों कितनी बार, अगर कोई बुरी चीज है, कोई मजबूत चीज आपके घर में भेज दी गई है तो आपके पूजा स्थान को भी घेरने लग जाती है। ऐसे में पूजा स्थान का भी हमेशा उतारा करना चाहिए। तो हर जगह आप उतारा कर ले। उतारा करने के बाद जो आपका पर्स है जिसमें आप पैसे रखते हैं उसके ऊपर से आप इसका उतारा करें। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको इन तमाम चीजों को काले रंग के कपड़े पर रख दें आप इनको, या फिर कोई भी जैसे काला कोई कागज हो उसके ऊपर रख दें। रख करके उसके ऊपर आप सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल डालने के बाद आप इसको जला दें। जलाना है आपको घर के बाहर, घर के अंदर नहीं जलाना है, ठीक है। कुछ शनिवार आप इस क्रिया को करना शुरू कर दें, तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी लाइफ से टोटल चली जाएंगी। करके देखिए इस उपाय को। कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।